मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव छिंदवाड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने शिवाजी प्रतिमा पर माला अर्पण करने के उपरांत पोला ग्राउंड छिंदवाड़ा में आयोजित कार्यक्रम में निर्माण कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि सभी योजनाएं चालू रहेंगी, संकल्प पत्र के हर वचन पूरा करेंगे। प्रवाह में हमारे भी अपने बीच में से कई लोगों के मन डावाडोल हो रहे हैं और आज नहीं तो कल हमारे परिवार में सम्मिलित होंगे। दुनिया में कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि सत्य तो एक ही है। कोई आज आएगा, कोई कल आएगा। आने वाले का स्वागत, और स्वागत इसलिए नहीं कि राजनीतिक दल बढ़ाना है, स्वागत इसलिए कि हमको भारत की सेवा करना है, स्वागत इसलिए कि मध्यप्रदेश को आगे बढ़ाना है, सबके साथ प्रदेश को खड़ा रखना है। अब किसी भी सेक्टर में मध्य प्रदेश कभी किसी के आगे पीछे नहीं घूमेगा। कोई गरीब नहीं, कोई अमीर नहीं, कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं। खास करके वैसे पांडुरना में आया था, लेकिन छिंदवाड़ा में मेरा पहला प्रवास है मुख्यमंत्री बनने के बाद। और जैसे हमारी भारतीय जनता पार्टी की परंपरा है, विकास के मामलों में हम किसी भी जगह से कोई भेदभाव नहीं करते, किसी भी विकास के कार्य को रोकते नहीं है। माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार विकास के कामों को लगातार आगे बढ़ रही है। और जब मध्य प्रदेश में प्रचंड बहुमत मिला, 163 से ज्यादा सीटें मिली है, तो स्वाभाविक रूप से हमारी जवाबदारी और बढ़ जाती है कि हम अपने विश्वास को कायम रखने के लिए जिले जिले में जाए, जहाँ जहाँ विकास की जो संभावना प्रत्येक चीज को देखे। और मुझे इस बात का संतोष है कि यहाँ छिंदवाड़ा में विकास की अभी और संभावना और विकास के कामों को बढ़ाने के लिए आज मैं आया हूँ। आज भी लगभग 100 करोड़ से ज्यादा निर्माण कार्यों की सौगात यहाँ देने वाला हूँ। इसी के साथ साथ आगामी लोकसभा की दृष्टि से हमारे कार्यकर्ताओं का मनोबल बने, जनता हमारे साथ जुड़े, यशस्वी प्रधानमंत्री के विकास के कारोबार में साथ शामिल हो। इसलिए मैं अपने इस विकास के एजेंडे को लेकर के डबल इंजन की सरकार के नाते से लगातार प्रवास कर रहा हूँ। मेरी अपनी ओर से छिंदवाड़ा के इस हमारे सभी स्नेही स्वागत के लिए आए हुए सभी आतुर जनप्रतिनिधियों का भी मैं स्वागत करता हूँ, पार्टी के कार्यकर्ताओं का धन्यवाद देता हूँ। और प्रेस के माध्यम से मैं उम्मीद करता हूँ कि विकास के मामले में हम कोई भेदभाव नहीं करेंगे। और छिंदवाड़ा वो धरती है जहाँ 2014 के बाद, 19 के बाद अब लगातार भाजपा के प्रति लोगों का प्रेम बढ़ रहा है।